वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स क्लास 10th भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लेंस का द्वितीय फोकस दूरी व अग्नि फोकस तल। इसकी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, लेंस की प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, लेंस का प्रथम फोकस तल क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे लेंस का द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस तल। बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक एक पॉइंट देखिए। बच्चों सबसे पहले उत्तल लेंस हम लोग खींचते हैं, पतला लेंस खींचिए, बहुत ही प्यारा प्यारा खींच लेंगे। ये क्या बेटा मुख अच्छे है, ठीक है, नाम डाल दीजिए एल एल डैश, ये हो गया प्रकाशित, क्लियर है। या जब अवतल लेंस है अवतल लेंस खींच लीजिए, प्रयास करना पतले ही बनाइएगा ज्यादा मोटा ना हो, ठीक। प्रकाशित केंद्र एल एल डैश डाल दिया, ये क्या बेटा मुख अच्छे, क्लियर है। यहां उत्तल लेंस वहां अवतल लेंस, हमारा क्वेश्चन अगर आ जाए कि लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है किसे कहते हैं, तो इसको हम लोगों को एक साथ पाना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि लेंस उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तो हम आपको पहले एक एक अलग अलग बताएंगे, इसके बाद हम दोनों को मर्ज करवा देंगे, उसको एक साथ बताएंगे। ध्यान रखिए बच्चों, सबसे पहले उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, देखिए बेटा जाती हैं, उसी निश्चित बिंदु को ही हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार देखिए, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती हैं, तो वही निश्चित बिंदु ही उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बेटा बात क्लियर हो रही है। इसके बाद देखिए, अब अवतल लेंस की बात करते हैं, तो अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में भी वही चीज, ध्यान रखिएगा, अगर द्वितीय कहता है तो पहले मुख्य अक्ष को समाप्त खींचेंगे, ठीक, द्वितीय में करेंगे तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, देखिए इस बिंदु से निकल रही है, ठीक, तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो वही
निश्चित बिंदु ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा हम लोग इसमें अब इन दोनों डिफिनेशंस को जो तुम्हारी है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। ठीक, अगर एग्जाम में आता है आपका कि लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है तो दोनों डिफिनेशंस को चाहे उत्तल हो या अवतल दोनों को एक साथ मर्ज करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, लेंस में, लेंस की बात कर रहा है, लेंस में मुख्य अक्ष के, लेंस में चाहे उत्तल हो या अवतल हो, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जाके टकराई, ठीक, टकराने मत क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के निश्चित जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है कोष्ठक में डालेंगे उत्तल लेंस में, या वहां से निकलती हुई प्रतीत होती है कोष्ठक में डालेंगे अवतल लेंस में, तो वही निश्चित बिंदु ही लेंस का चाहे उत्तल हो या अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर प्रथम फोकस की बात करता है तो उत्तल को मैं यहां लिखूंगा और अवतल को यहां लिखूंगा, प्रथम की बात करता है तो इधर प्रथम उत्तल लेंस का प्रथम इधर होगा और अवतल लेंस का प्रथम इधर होगा, द्वितीय की बात करता है तो उत्तल का द्वितीय इधर होगा और अवतल का द्वितीय इधर होगा, प्रथम द्वितीय, क्लियर है ना, प्रथम द्वितीय, प्रथम इसका प्रथम इधर, इसका इधर, द्वितीय में इसका इधर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेंस का द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है, तो बस वही चीज है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वही किसमें है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को चाहे उत्तल हो या अवतल हो, यही बोलेंगे, लेंस के चाहे उत्तल हो या अवतल, लेंस के या अवतल है तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से, क्योंकि लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस के प्रकाशित केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बेटा क्लियर हुआ, इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा है फोकस तल क्या होता है, तो आप बताएंगे लेंस के उत्तल या अवतल, तो उत्तल बात कर लेते हैं, उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है लेंस का, या उत्तल यहां उत्तल है तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस तल कहलाता है। अवतल बात कर लेते हैं, तो अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है, मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है, तो वही तल अवतल लेंस का द्वितीय फोकस तल कहलाता है। अब दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है लेंस का द्वितीय फोकस तल कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भयंकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हम इसके आगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। अगर बच्चों हमारे इस चैनल में आप लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।